हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दही जमाने का तरीका, ठीक है। देखो, मैंने ये 1.5 लीटर दूध ली थी, इसको इतना पका ली मैंने कि वो 1.25 लीटर जितना हो गया है। आप इसका मार्क देखेंगे, मैं गैस लो फ्लेम कर देती हूँ। देखो, यहाँ तक के दूध था, ये देखो यहाँ तक, यहाँ से इतना ही है। लो फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया। और मुझे आपको एक टिप बताना है, दही तो हम बाद में जमाएंगे। देखो, मैंने इसके अंदर स्पून रख दी हूँ और कितना बॉईल आ रहा है। अगर हम कभी भी दूध गर्म को रखेंगे और हमारे पास ऐसा है कि हमको इधर उधर हो जाना, इधर उधर जाना है, घर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम दूध रख के भूल जाते हैं, या तो फिर दूध उबल जाता है, स्लो गैस पर भी दूध बॉयल हो जाता है। तो हमको स्पून अंदर रख के दूध अगर हम रख देंगे गर्म के लिए, तो कभी भी बॉयल नहीं होगा, गिरेगा नहीं। आप देखो कितनी देर पर पकेगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा। तो ये एक टिप है, आप लोग ये ज़रूर याद रखना। और मैं आप लोगों को दही पहले इसको मैं ठंडा कर देती हूँ दूध को, उसके बाद मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 लीटर दूध को 1.25 लीटर जितना पका ली हूँ। फुल क्रीम मिल्क है वो, और हमको फुल क्रीम मिल्क ही चाहिए, एकदम अच्छा दही, हलवाई जैसा दही जमाने के लिए, ठीक है। मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, अभी आप देखेंगे क्या उसमें बॉइल्स ख़त्म हो जाएंगे, जो दूध में बॉइल आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दी हूँ, आप देखें ना कितना लो, अभी बस ठीक है ना। अभी हम इसको चम्मच से चला चला के ठंडा करेंगे, ठीक है। पहले इसको इतना ठंडा करेंगे कि हम उंगली डुबा देंगे हमारी, तो वो जलना नहीं चाहिए, सिर्फ हमको महसूस होना चाहिए कि वो गर्म है बोलकर, वॉर्म मिल्क जो बोलते हैं वो होना चाहिए, तो ही हमारा दही अच्छे से जमेगा। ये देखो कितना थिक दूध है ना मेरा, और फिर भी मैंने उसको पका कर और थिक कर दियो, ताकि हमारा दही हलवाई जैसा जमे। और मैं इसके अलावा आपको दूसरे 3 चीज़ों से जमन लगा कर बताऊँगी, कि अगर हमारे पास कभी दही नहीं है जमाने के लिए, तो हम ऐसा जमन जमा कर उसके बाद भी हम दही लगा सकते हैं। तो वो टिप एंड ट्रिक्स आपको मैं बताती हूँ, पर इसको ज़रा ठंडा हो जाने दो। ये देखो, आप देख रहे हैं मैं इसको मग से ठंडा कर रही हूँ, ठीक है, दूध को। लेकिन आप इसके अंदर छाक देखेंगे, ये कितना अच्छा फेस आ गया है इसके अंदर, क्योंकि ये दही के ऊपर अगर ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैं एकदम नज़दीक से बताती हूँ, देखो कितना सारा आ गया है, देखें, क्योंकि मैंने इसको मग को ऐसा कर करके मैं दूध ठंडा कर रही हूँ, तो इसमें आपको ऐसा एकदम अच्छे से फेस आ जाएगा, ठीक है ना। हमको ऐसा ठंडा करना है, उसके बाद एकदम वॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद ही हम दही लगाएंगे, वरना दही हमारा फट जाएगा, ठीक है, दूध हमारा फट जाएगा। ये देखो, हमारा दूध इतना ठंडा हो चुका है कि हम फिंगर उसके अंदर डाल सकते हैं, इसका मतलब इसमें हम दही जमा सकते हैं, ठीक है। और आपने देखे इसमें कितना सारा फेस है, जो हमने ऐसा सा करके मग से करी, आप स्पून से भी ऐसा करके झाग बना सकते, ठीक है ना। अभी मैं आपको 4 तरीके से दही जमाना बता रही हूँ। ये लाल मिर्ची, इसके अंदर हम सिर्फ दूध डालेंगे, 10 से 12 घंटे लगेंगे, इसमें खुद ब खुद दही जम जाएगा, मगर जो लाल मिर्ची की जो डंडी है ये होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, हम ये हरी मिर्ची लिए, ये हरी मिर्ची भी हम इसके डेट्स के साथ ही लेंगे, समझे, तो इसको भी हम ऐसा रखेंगे। इसमें भी आप, अभी मैं दूध डाल दूँगी, 10 से 12 घंटे मुझे दही जम जाएगा, खुद ब खुद ये दही जम जाएगा। तीसरा, हम जमाएंगे नींबू के जूस से, और चौथा हम जमाएंगे जमन से, जो नॉर्मल दही हम जमाते वो हम जमाएंगे हलवाई जैसा, इंशाल्लाह रहमान। तभी मैंने दूध को अच्छे से पका कर सुखा ली हूँ, और इसके बाद इसको ठंडा कर दी हूँ, ठंडा यानी इतना वार्म कर दी हूँ कि मैं फिंगर डाल सकती हूँ उसमें आराम से, ठीक है। अब इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब ये जो मैं मुझे दही जमाना है, ये कम से 10 से 12 घंटे लगेंगे। देखो, इसकी डंडी अंदर रहना चाहिए, अब ये ऊपर आ गई ना, कोई बात नहीं। देखो, आपको ये डंडी नीचे रखना है, ठीक है, ऐसा। अब ये दूसरा जमन मैं जमा रही हूँ लाल मिर्ची से, और हम पांचवा जमन भी जमा सकते हैं, वो सिल्वर की रिंग से या सिल्वर कॉइन से, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैं सिर्फ आपको 4 तरीके से बता रही हूँ। ये 2 हो गए, अब तीसरा हम यहाँ पर ये दूध लेंगे, इसमें डालेंगे, और इसके अंदर हम ये नींबू का, एक अक्खा नींबू का जूस डाल के रख देंगे, ठीक है। ये देखो, इसको स्लोली हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, ये हो गया। अब ये दही को हम इसमें जमाएंगे, ये देखिए आपने फेस कितना अच्छा है, अच्छे से आया हुआ है इसमें, तो इसको बनाए रखेंगे हम।
आ जाएंगे ऊपर फिर से। मगर ये 4 से 5 घंटे में हमारा हो जाएगा। अब ये देखो चौथा, हमने सिर्फ इधर दूध डाल दिए और यहाँ पर पूरा इसका छाग है, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ से हम साइड से इसमें दही डाल देंगे, ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून, और इसको ऐसे ऐसे नीचे ताकि हमारा छाग बना रहे वो ख़राब नहीं हो। देखो हमने अभी जमा दिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सिल्वर फॉइल से पैक कर देंगे आराम से, और इसको एक गर्म जगह में हम एक कपड़े में लपेट के रख देंगे इस तरह से, ताकि अभी बारिश का टाइम है, बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो फिर वो गर्म में दही जम जाए। इसको यहाँ रख दिया हमने, यहीं पर रख देंगे, और जब भी हमको दही जमाना है तो इसको हिलाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसको सिर्फ हमको ऐसा लगा के रख देना है। इसको तो 10 से 12 घंटे लग जाएंगे, और जो दही हमने जमा है जमन से, वो 4 से 5 घंटे में हमारा इंशाल्लाह रहमान हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ 4-5 घंटे के बाद। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 5 घंटे बाद मैंने खोलकर देखी थी, एक तो बारिश का वक्त है तो मेरा दही जमा हुआ नहीं था, उस वक्त मेरा थोड़ा दूध गिर गया मेरे हाथ से जो मैंने जमन रखी थी। तब ये 7 घंटे हो चुके, अभी हम खोल के देखते हैं कि हमारा दही कैसा जमा हुआ है, हलवाई जैसा जमा है या नहीं जमा है। ये देखो, देखिए मेरे हाथ से दूध गिर गया था बोलकर, ये कम हो गया। अभी मैं आपको इसको कट करके, आप देख रहे हैं ये कितना सख्त जम बना है, कितना अच्छा बना हुआ, कितना आप ये देखो बिल्कुल हलवाई जैसा, देखें। और आप इसके, इसको मैं आपको एकदम नज़दीक से बताती हूँ, देखो इससे कितना क्रीमी है, आप देख रहे हैं ना। ये देखो ये सही तरीका होता है दही जमाने का हमारा, ये देखो कैसे पीसेस निकल रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, आप देखो मैं एकदम नज़दीक से आपको बताती हूँ। आप लोग भी ऐसा जमाना और मुझे बताना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, इंशाल्लाह रहमान आपको नई नई रेसिपीज मिलते रहेंगी, और मेरे तरीके से दही का दही जमाना और मुझे बताना। देखो कितना अच्छा देख रहे हैं, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ी के टुकड़े, बिल्कुल हलवाई वालों के जैसा दही जम चुका है हमारा। देखो 11 घंटे हो चुके हैं, अभी ये सब दही जम चुका है। मैंने जो कल मिर्ची से मीन्स आपको बताई थी, ये देखो कितना अच्छे से जमा है, देखे आप देख रहे हैं, इससे आप हमेशा जमन जमा सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते हम लोग, लेकिन जमन के लिए बहुत सही है। जब हमारे पास जमन नहीं है तो ऐसा हम बना के इससे जम जमा सकते हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छा बना है। ये देखो, ये देखो, देखिए आप, ये हरी मिर्ची का, ये लाल मिर्ची का, और ये नींबू वाला, हम नींबू से जो जमाए थे नींबू का जूस डाल के, ये देखो देखे, आप लोग भी ऐसा जमा सकते हैं। अगर आपके पास कभी दही नहीं है तो ऐसा बनाकर फिर आप लोग दही बना सकते हैं। आपको मैंने ये 3 तरीके और जो नॉर्मल दही से बनता है वो भी, ये चारों तरीके से आपको मैंने दही जमा कर बता दियो। ये देखो चारों दही आपके सामने है, देख रहे हैं ना कितना अच्छा बन गया। आप लोग भी ज़रूर बनाना, मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।